नमस्कार, डीएसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जहां बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी है, जीत और हार को लेकर तमाम बैठक भी हो चुके हैं, वहीं हम पार्टी ने भी आज अपनी समीक्षा बैठक की है। हम पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव 18 दिसंबर को होना है, ऐसे में और पार्टी से कितने लोग जुड़ना चाहते हैं और हार को लेकर भी हम पार्टी ने अपनी समीक्षा बैठक आज की है। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है। बैठक में हम संगठन के विस्तार को लेकर के, विधानसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर के और आने वाले 18 दिसंबर को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसका अनुमोदन प्राप्त कर रहे हैं और आगामी 18 दिसंबर को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसकी सहमति लेंगे।